हाँ तो यार, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर फास्टेस्ट तेज़ तरीन इंटरनेट की, तो वो नो डाउट ऑप्टिक फाइबर्स के ऊपर ही हमें देखने को मिलता है। आम जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज थी वो अब काफ़ी हद तक यानी कि वो पुरानी हो चुकी हैं और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब सब जो कंपनीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ऑप्टिक फाइबर के ऊपर अपना जो है नेटवर्क वो कन्वर्ट कर रही हैं। और PTCL का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। PTCL का क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अगर सबसे ज़्यादा आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो है PTCL। लेकिन PTCL का आप लोगों को पता है, उसकी रिलायबिलिटी का आप लोगों को पता है, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना उनका रिलायबल कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब PTCL वालों ने क्या किया है कि उन्होंने भी अपने आप को ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मजीद अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो यार जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई अब ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो है वो शिफ्ट होना पड़ता है फास्टेस्ट स्पीड्स के लिए। तो इस वक्त इन्होंने क्लेम किया PTCL वालों ने कि हम लोग भी फास्टेस्ट जो है इंटरनेट वो प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए ये भी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इसका नाम जो है वो उन्होंने रखा है PTCL फ्लैश फाइबर के नाम से, और इन्होंने इसके लिए एक न्यू वेबसाइट भी बनाई है जिसका नाम PTCLFlashFiber.com है। आप उसके ऊपर जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनका जो फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलाकों में ये अवेलेबल है और इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। उनके बारे में मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने इलाके में या आपके इलाके में अवेलेबल है कि नहीं है ये अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, तो इनकी जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही होगी। तो PTCLFlashFiber.com ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप अपनी अवेलेबिलिटी इलाके की चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने आपको पैकेजेस ऑफर कर रहा है वो सारे के सारे इसके ऊपर अवेलेबल हैं, और ये विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस आपको ट्रिपल पे सर्विस देता है। अब ट्रिपल पे के अंदर पहली जो सर्विस है वो तो है आपका इंटरनेट, और वो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड जो है वो डाउनलोड्स आपको प्रोवाइड करता है। अब ये अनलिमिटेड ये लोग कहते हैं, लेकिन जिस तरह PTCL के आमनेट की 1000 GBPS की तक की डाउनलोड की लिमिट है, तो इसी तरह से इनकी भी ज़रूर जो है वो 1000 GB के ऊपर इन्होंने लिमिट रखी होगी। अच्छा जी, दूसरी जो ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो है स्मार्ट टीवी की सर्विस, जिसमें आपको 130+ जो है वो चैनल्स देखने को मिल जाएंगे लाइव। उसके अलावा पॉज एंड फॉरवर्ड फंक्शनैलिटी भी देखने को मिलेगी, और वीडियो ऑन डिमांड की फंक्शनैलिटी भी उसके अंदर अवेलेबल है। और ट्रिपल ऑफर की जो तीसरी ऑफर है वो है अनलिमिटेड फ्री PTCL to PTCL कॉल्स। अब इसका मुझे इतना कोई ख़ास जहन में वो नहीं आता, इनका मतलब इतना कोई फ़ायदा है नहीं हमें, मोबाइल से ही हम लोग ज़्यादा, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं अपने ऊपर मैं बात करूं तो मोबाइल से ही कॉल्स वगैरह करते हैं। PTCL है भी नहीं जिसके ऊपर हम लोग कॉल करके इतनी देर बात करेंगे, लेकिन मोबाइल से भी अब PTCL पे फ्री ही कॉल होती है। तो बेसिक जो चीज़ है इसके अंदर वो है इंटरनेट और उसकी स्पीड्स। तो अब अगर हम स्पीड्स के बारे में बात कर लें, तो जो इनका सबसे स्लो स्पीड कनेक्शन है ऑप्टिकल फाइबर का, वो भी 8 MB से नीचे अवेलेबल ही नहीं है। अब 8 MB जो है उसकी पर मंथ प्राइस है 2250 रुपये, ये टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, टैक्स इसके अलावा होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सस्ता है। अनलिमिटेड डाउनलोड के हिसाब से अगर देखें तो 2250 रुपये में 8 MB आपको दे रहे हैं। उसके बाद 2750 रुपये में आपको दे रहे हैं 15 MB, यानी कि सिर्फ 500 रुपया बढ़ा है, और वहाँ से आपकी 8 से 15 होगी, तकरीबन डबल स्पीड हो जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर अगला जो कनेक्शन है वो है 25 MB का, और उसके जो प्राइस है वो है 3300 रुपया। अच्छा जी, उसके बाद जो 50 MBPS 50 MBPS का, उसकी प्राइस इन्होंने रखी है 5100 रुपया पर मंथ, और ये सारी जो प्राइजेस बता रहा हूँ इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। और उसके बाद आता है 100 MBPS का, जिसकी प्राइस इन्होंने 7600 रुपया रखी है पर मंथ, और ये बहुत ही आउट क्लास किस्म की स्पीड है। हाँ, एक कंसर्न है मुझे इसके अंदर, वो ये है जो शुरू से मुझे PTCL वालों के साथ रहा है, एक तो रिलायबिलिटी का, और दूसरा ये कि इसके अंदर आपको अपलोड स्पीड कितनी देखने को मिलेगी, क्योंकि अपलोड स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और अपलोड स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो इसकी रिलायबिलिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और हाँ, एक और चीज़ है वो है पिंग। पिंग भी आपको जितनी आपको इसके अंदर कम देखने को मिले उतना अच्छा है। तो ये दो तीन मेरे कंसर्न्स थे, लेकिन आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी ऑफ़र है। एक तो अनलिमिटेड डाउनलोड्स हैं, और ये बड़े इंटरनेट जो फाइबर ऑप्टिक्स वाले हैं उनके साथ डायरेक्ट टक्कर ले रहा है, और
आपको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी फास्टेस्ट, इस इन्होंने कहा फास्टेस्ट पाकिस्तान का सबसे तेज़ तरीन इंटरनेट ये आपको दे रहे हैं और काफ़ी कम प्राइस में आपको दे रहे हैं। तो उम्मीद है गाइज़ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब PTCL का नाम काफ़ी हद तक बदनाम है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और PTA वालों ने इनका लाइसेंस जो है वो भी आगे यानी कि बढ़ा दिया है, इनको लाइसेंस इशू हो गया, तो इसका मतलब है कि ये अपनी क्वालिटी ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप लोग ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट की तरफ देखना चाह रहे हैं तो PTCL में से एक बहुत ही अच्छी और सस्ती ऑफ़र है, तो ये आप इसकी तरफ ज़रूर देख सकते हैं। आप इनकी एक दफ़ा वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आप लोग किस इंटरनेट को आप प्रेफर करेंगे ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज़, तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।